जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पटना हावड़ा वंदे भारत की लॉन्चिंग के विषय में भी आपको बताने वाले हैं, साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पटना हावड़ा वंदे भारत की जो रैक एक माह पहले पटना जंक्शन पर आ चुकी है जो कि 8 कोच वाली है, लेकिन यहां पर इंडियन रेलवे 16 कोच वाली वंदे भारत को क्यों नहीं लाई। साथ ही इस रूट पर वंदे भारत को टक्कर देने के लिए कई सारी ट्रेनें लमसम 10 से 12 ट्रेनें इस रूट पर ऑलरेडी चल रही है, जो कि आगे चलकर हमारी वंदे भारत ट्रेन को, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे पटना हावड़ा रूट पर 16 कोच वाली वंदे भारत क्यों नहीं लाई। इंडियन रेलवे ने इस 8 कोच वाली वंदे भारत को इसलिए लाया कि इसके इनॉग्रेशन के बाद इंडियन रेलवे ये देख लेगी कि इसमें वेटिंग टिकट आ रहा है कि नहीं। अगर ज्यादा वेटिंग टिकट अगर इसमें आता है, जैसे कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है तो उस समय इस रूट पर ज्यादा यात्री ट्रेवल करते हैं, तो वैसे पोजीशन पर इंडियन रेलवे देखेगी कि इस रूट पर ज्यादा वेटिंग आता है और ये वेटिंग लंबा लंबा दिन तक चलता रहता है, तो इंडियन रेलवे आगे चलकर इसको 8 कोच वाली वंदे भारत को चेंज कर सकती है और इसके जगह पर 16 कोच वाली वंदे भारत को लॉन्च कर सकती है। ये मेन रीजन है कि इंडियन रेलवे अभी ट्रायल के दौरान इसको लेकर 4 महीने तक चेक करेगी कि आखिर में इसका एकुपेंसी रेट क्या आ रहा है। अगर जैसा ही यात्रियों का डिमांड रहेगा इंडियन रेलवे वैसा ही इस रूट पर काम करेगी, इसीलिए फिलहाल में यहां पर 8 कोच वाली वंदे भारत को इंडियन रेलवे लाई है। मैं आपको बता दूं कि इस रूट पर कई और ट्रेनें चलती हैं जो कि आगे हमारी वंदे भारत ट्रेन को टक्कर दे सकती है, जिसमें आपको पहला नाम आता है 1/20/24 जनशताब्दी एक्सप्रेस, 1/23/34 विभूति एक्सप्रेस, 1/22/74 हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, 1/23/26 गुरुमुखी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 13/006 हावड़ा मेल एक्सप्रेस, 0/20/24 पटना हावड़ा सुपर फास्ट स्पेशल, 1/23/52 राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस, 1/23/04 पूर्वा एक्सप्रेस, 1/23/28 DND हावड़ा एक्सप्रेस, 1/23/60 कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस, 1/23/32 हिमगिरी एक्सप्रेस, 1/23/18 अकाल तख्त एक्सप्रेस और 1/23/06 कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये जो ट्रेन का मैंने आपको नाम बताया है ये ऑलरेडी इस रूट पर अभी ट्रेवल कर रही है, यानी कि चल रही है, और इसी रूट पर हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी चलनी है। तो जाहिर सी बात है हमारी वंदे भारत ट्रेन का जो फेयर है कुछ ज्यादा होता है इन ट्रेनों के मुकाबले, तो लोग सफर करने के दौरान अपना फेयर को भी देखते हैं कि किसमें हमको फेयर कम लगता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का एकुपेंसी रेट घट भी सकती है। यही कारण है कि इंडियन रेलवे पटना हावड़ा रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत को लाया है। अभी फिलहाल यही ट्रेन इस रूट पर चलेगी और आगे चलकर इसका एकुपेंसी रेट और वेटिंग लिस्ट देखते हुए इंडियन रेलवे इस पर कुछ आगे चलकर फैसला ले सकती है। तो दोस्तों इस रीजन जो मैंने आपको रीजन बताया है, इस रीजन पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।